हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं लंप और फाइब्रॉइड्स इन यूट्रस के बारे में। मतलब कि अगर किसी भी महिला को गर्भाशय में लंप मतलब गांठ और जो फाइब्रॉइड्स होता है, ये भी एक तरह की गांठ ही होती है, लेकिन ये अलग फॉर्म में होती है। तो अगर किसी भी महिला को गर्भाशय में किसी भी तरह की गांठ हो जाती है, तो उस दौरान कौन से 5 लक्षण हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी भी महिला को इन 5 लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखे तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वैसे तो जो ये गांठ होती है गर्भाशय की, ये नॉन कैंसरस होती है। 99% जो गांठें होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन कैंसरस होती हैं। मतलब कैंसर होने का कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन गांठ होने की वजह से महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से दिखते हैं जो महिलाओं को हो सकती है, तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एक महिला का ऐसा गर्भाशय है जिसमें गांठ हो गई है, लंप हो गए हैं या फिर फाइब्रॉइड्स हो गया है। तो ये जो लंप होता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये गर्भाशय है। गर्भाशय में दो नली होती है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये है। और इसके साथ ही क्या होता है, दो ओवरी भी होती है। ये क्या है, ये ओवरी है जो संख्या में 2 होती है। और ये जो ओवरी होती हैं, यहीं पे अंडा बनने का काम होता है। लेकिन जब गांठ हो जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, यहाँ तक कि जो अंडा बनने की प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पाती है। इस वजह से महिला को प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, मतलब बांझपन की समस्या भी हो जाती है। अब वो प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, वो तो डिपेंड करता है महिला की कंडीशन पे। तो यहाँ पे अगर हम लंप की बात करें, तो अगर महिला के मान लीजिए गर्भाशय में इस वाली वॉल पे हो गया है, या फिर अंदर हो गया है, या फिर ऊपर हो गया है, या फिर जो ओवरी है उसमें हो गया है, कभी कभी ये जो गांठें होती हैं ये इन ट्यूब्स में भी हो जाता है। तो अगर एक गांठ है तो उतने ज्यादा लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर वही एक गांठ बढ़ रही है या फिर बहुत सारी गांठें हो गई है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब ऐसा नहीं कि एक गांठ है तो दिक्कत नहीं होगी, तब भी दिक्कत होती है। तो किस तरह की समस्याएं होती है, तो सबसे पहले तो महिला को बड़ी समस्या क्या होती है, पीरियड से रिलेटेड सबसे बड़ी समस्या और सबसे पहली समस्या देखने को मिलती है पीरियड से संबंधित, मतलब पीरियड रिलेटेड। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो महिला के पीरियड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब कि अनियमित हो जाते हैं। पहले क्या था कि टाइम टू टाइम पीरियड आ रहे थे, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पीरियड इरेगुलर हो गए हैं, अनियमित हो गए हैं, तो आपको गांठ ही होगी। बहुत बार क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो पीरियड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये जरूरी नहीं है कि गांठ की वजह से ही हो, लेकिन हम ये कारण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार देखा गया है कि गांठ की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग बहुत अधिक मात्रा में होगी। जैसे पहले क्या था नॉर्मल स्टेज में, कि महिला अगर दिन भर में 2 पैड चेंज कर रही थी और जो टाइम ड्यूरेशन था वो मान लीजिए 4 दिन का था, 4 दिन महिला को पीरियड रहते थे। लेकिन जब गांठ या फिर फाइब्रॉइड्स हो जाता है, तो उस दौरान जो ये पीरियड्स का टाइम ड्यूरेशन है ये भी बढ़ जाता है, 7 दिन, 8 दिन या फिर 10 दिन या फिर किसी को तो 15 दिन तक पीरियड रहते हैं। और जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही हैवी होती है, दिन भर में महिला को 6 से 7 पैड तक चेंज करने पड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा किसी भी महिला के साथ हो रहा है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा दिन तक चल रही है, तो उसको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर समस्या बड़ी है और उससे पहले ही हम उसका निदान कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आगे समस्या ना हो इसके लिए हम पहले ही अगर उसका उपचार कर लें तो बेहतर है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होगी तो फिर क्या होगा, हार्मोनल थेरेपी दी जाएगी, मतलब ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जिसकी वजह से आपका हार्मोन जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा, तो समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर गांठ होगी तो फिर उसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन समय रहते हम तभी कर पाएंगे जब आप सही समय पे डॉक्टर के पास जा पाएंगे। तो अगर आपको जो पीरियड है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे देर नहीं करना चाहिए। ये पहला सबसे बड़ा लक्षण है किसका, लंप या फिर फाइब्रॉइड्स का, गांठ का, क्योंकि इसकी वजह से क्या होते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ ही जो ये गर्भाशय की वाल होती है, दीवार होती है,
हैं जिनको हम लेयर बोलते हैं, तीन लेयर होती है गर्भाशय की। और अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गांठ हो जा रही है, पूरे गर्भाशय में कहीं पे भी कोई भी गांठ हो रही है, तो पूरा गर्भाशय प्रभावित होता है और इसका असर हमारे पीरियड्स पे पड़ता है। तो पहला ये देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है कि क्रैम्प बहुत अधिक होता है, क्रैम्प बहुत अधिक होता है, मतलब कि मरोड़ बहुत ज्यादा होता है जैसे ही पीरियड्स आते हैं, या फिर किसी किसी महिला को तो पीरियड्स के 2 से 3 दिन पहले से ही पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी बोलते हैं, PMS भी बोलते हैं। मतलब कि पीरियड के आने से पहले 2-4 दिन पहले अगर हल्का फुल्का कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जी मिचला रहा है, थकान महसूस हो रही है, व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, मतलब ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और ये हमेशा रह रहा है, हर पीरियड में ऐसा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब पीरियड आने के पहले दिखने वाले कुछ सामान्य से लक्षण। इसमें जो ब्रेस्ट होता है उसमें भी टेंडरनेस मतलब टाइटनेस हो जाती है। लेकिन अगर पहले आपको ये समस्या नहीं हो रही थी और अचानक ये समस्या हो रही है कि आपको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आपके साथ हो रही है रिलेटेड टू आपके गर्भाशय या फिर ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब जो भी है, तो वहां पे हमको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं कि जो फाइब्रॉइड्स या फिर लंप की समस्या हो रही है, ये अधिकतर किन महिलाओं में देखने को मिलती है। ऐसी महिलाएं जो 30+ होती हैं, मतलब 30 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं होती हैं और 45 साल के अंदर की जो महिलाएं होती हैं, इस उम्र में जो फाइब्रॉइड्स होता है या फिर जो गांठ होती है बच्चेदानी की, उसके होने के रिस्क सबसे ज्यादा रहते हैं। क्योंकि 30 साल तक लगभग जो महिला होती है वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी होती है, 1, 2, 3 जितने भी उसको बच्चे चाहिए लगभग हो चुके रहते हैं। तो इसके बाद महिला क्या करती है कि अधिक मात्रा में फैमिली प्लानिंग की क्या करती है कि ओरल पिल्स का प्रयोग करती है, मतलब की क्या लेती है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। और कहीं ना कहीं जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनकी वजह से भी महिला के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर कई बार इन OCP की वजह से भी महिला को लंप या फिर गांठ जो होती है, गर्भाशय की जो गांठ होती है उसकी समस्या हो जाती है। या फिर अगर जो महिला है उसको ओबेसिटी की समस्या है, अब ओबेसिटी की वजह से भी सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, मोटापे की वजह से भी जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे पीरियड्स पे। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी महिला है जिसको बार बार जिसकी जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो रही है, प्रेगनेंसी उसकी लॉस हो रही है, या फिर वो बार बार क्या हो रही है, एबॉर्शन करवा रही है, उसका 3 से अधिक एबॉर्शन हो चुका है, तो ऐसी महिलाओं में भी देखने को मिल जाता है कि उनको गर्भाशय से संबंधित समस्या हो जाती है। क्योंकि एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, कई बार महिलाओं का पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, फिर क्या होता है, DNC करवानी पड़ती है, मतलब गर्भाशय की सफाई करवानी पड़ती है, और बार बार जो गर्भाशय की लेयर होती है उसको क्यूरेट करके निकाला जाता है, मतलब पुरुष करके निकाला जाता है, और बार बार ये प्रक्रिया करने की वजह से भी गर्भाशय में क्या होता है, घाव हो जाता है, और जब गर्भाशय में घाव होता है तो इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर कई बार जो ये इन्फेक्शन होता है या फिर जो ये घाव होते हैं धीरे धीरे वहाँ पे एक गांठ फॉर्म में बनने लगते हैं, तो कई बार ये भी एक कारण वहाँ पे हो जाता है। तो इस वजह से भी महिलाओं को बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो अगर आपको पीरियड्स पहले नॉर्मल होते थे, दर्द नहीं होता था, लेकिन अब पीरियड्स हो रहे हैं तो उसमें बहुत दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत पड़ती है। साथ ही अगर ब्लीडिंग आपको ज्यादा हो रही है तब तो 100% आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें लक्षण हमको देखने को मिलता है वो क्या है कि जब महिला फिजिकल रिलेशन में आती है तो उस दौरान उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है जो कि साधारण नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है कि अब ये जो महिला का गर्भाशय है, महिला के गर्भाशय में प्रॉब्लम है, या फिर क्या उसको गांठ है या फिर किसी भी तरह कोई इन्फेक्शन है, छोटा या फिर बड़ा लंप है, और इस वजह से क्या होता है कि उसका सारा जो
रिप्रोडक्टिव यहाँ का सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। अब जब वो फिजिकल रिलेशन बनाती है तो वहाँ पे उसको दर्द महसूस होता है क्योंकि गांठ की वजह से उस एरिया में स्वेलिंग भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मल ये हमारा क्या है, यूट्रस है। अब इसमें जब यहाँ पे किसी भी तरह की गांठ हो गई तो इसके सराउंडिंग जो भी सेल्स होंगी वो सभी क्या होंगी, वो सभी डैमेज होंगी, वो सभी एक तरह से दबेंगी, सप्रेस होंगी और इस वजह से भी वहाँ पे इन्फेक्शन कवच करेगा, महिला को दर्द होगा। तो अब उसी में क्या है, महिला अगर फिजिकल रिलेशन बनाती है तो फिर उसको दर्द और ज्यादा होता है। तो नॉर्मल अगर पहले ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि महिला को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या फिर उसको फिजिकल रिलेशन बनाने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वहां पे उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि लगातार हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा कि जो महिला होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, उसको वीकनेस हो जाएगी क्योंकि ब्लड बहुत अधिक लॉस हो रहा है, इस वजह से वो वीकनेस हो जाएगी और फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, एनीमिया, मतलब कि खून की कमी के लक्षण उसके अंदर दिखने लगेंगे और खून की कमी के साथ साथ जो उसका मूड होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। महिला बहुत ही इरिटेटिव हो जाएगी, मतलब बहुत ही चिड़चिड़ी जैसी हो जाएगी और फिर उसको क्या होगा, पूरे बॉडी में पेन भी होगा, बहुत वो ज्यादा खुद को थकी हुई महसूस करेगी, सुस्त महसूस करेगी, पूरे शरीर में उसके दर्द जैसा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, उसका जो एनर्जी लेवल है बॉडी का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि उसको क्या हो रही है, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। और महिलाओं में ये बहुत ही आम समस्या है लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बार महिला इसमें ध्यान नहीं देती है। तो अगर किसी भी महिला को ये लक्षण दिख रहे हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए घातक हो सकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी का सूचक भी हो सकता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको इतना जरूर सीखने को मिला होगा कि अगर आपको इनमें से किसी भी तरह कोई दिक्कत होती है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य संबंधी बड़ा इशू बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।